अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आप दोनों की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। कोई और है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब आपने माँ पे अटैक किया है। इसका मतलब माँ का खून आपने किया है। इसका मतलब कि डॉक्टर शिव जब तक माँ के कमरे में गए थे उनपे हमला हो चुका था और माँ मर चुकी। नहीं, क्योंकि गायत्री भाभी शिव के बाहों में मरी थी, तड़प तड़प के, रो रो के। आपको कैसे पता? मैं माँ को मिलने 6:30 बजे जाना ही वाला था, तब मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया हॉस्पिटल से और 7:15 बजे तक मैं कॉल पर ही था। उसका एक गवाह भी है, हॉस्पिटल की एक नर्स उसी फोन कॉल को अटेंड भी कर रही थी। पहले तो वो नर्स मिल नहीं रही थी, लेकिन किसी तरह शक्ति ने उसे ढूंढ निकाला। तभी तुम लोगों को ये सब याद नहीं आया था, अब सब याद आ रहा है। तब कहां थे तुम? सर, जब एक इंसान को बहुत बड़ा झटका मिलता है ना, तो वो अक्सर सब कुछ भूल जाता है। अपनी मां को खोने से मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था और मैं सब कुछ भूल गया था, और ये बात पूरा परिवार जानता है। किसी भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले डॉक्टर शिव माँ के कमरे में जाते माँ पे हमला हो चुका था। माफ तो कर देंगे ना आप मुझे? माँ! क्या बकवास कर रही हो? उस वक्त शिव घर पर ही तो था। तो हमने कब कहा कि नहीं थे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शिव एक मेडिकल इमरजेंसी कॉल पे थे, लेकिन आप कहाँ थी? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? पूछने का कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं तो सब सच बता दीजिए ना। ठीक है, अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर सब शक करेंगे। शक की क्या बात है, मैं कीर्तन के साथ थी उसके कमरे में। लेकिन कीर्तन तो घर पे था ही नहीं। अगर कीर्तन घर पे नहीं था तो आप उसके कमरे में कैसे हो सकती हैं? अगर उसके कमरे में नहीं थी तो फिर अब कहाँ थी? माँ के कमरे में। देखो, बकवास करना बंद करो, ऐसे गोल गोल बातें मत करो, समझी? मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। तब तक कीर्तन घर आ गया था, समझी? कोई सबूत के तब तक कीर्तन घर आ गया था? सबूत क्या है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसके साथ थी, बस कह दिया मैंने। हाँ, तब तक मैं घर पर आ गया था। आप दोनों की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। कोई और है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब आपने माँ पे अटैक किया है। इसका मतलब माँ का खून आपने किया है। इसका मतलब कि डॉक्टर शिव जब तक माँ के कमरे में गए थे उनपे हमला हो चुका था और माँ मर चुकी। नहीं, क्योंकि गायत्री भाभी शिव के बाहों में मरी थी, तड़प तड़प के, रो रो के। आपको कैसे पता? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।